सबसे पहले तो मुझे बताओ ईबे बिल का रूल नंबर कौन सा है? रूल नंबर 138 यू आर सपोज टू रिमेंबर। अच्छा बेटा, वैसे जो मैं ईबे बिल बोलता हूं, आपको ईबे बिल का फुल फॉर्म पता है? नहीं। ईवे बिल, ई का यहां मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आप कहते हो ई इनवॉइस, तो ई का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, ठीक है ना। तो ये जो ईवे बिल है, मैंने आपको वैसे ही बता दिया, मैंने कहा कहीं पता है पूरा चैप्टर हो गया और किसी को ईवे बिल ही नहीं पता हो। तो ईवे बिल इज योर इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। अच्छा, वे बिल इसे क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि गुड्स रस्ते से जा रहे हैं और गुड्स की मूवमेंट के लिए डॉक्यूमेंट जो है वो बनवाया गया है, और बनवाया कैसे गया था? इलेक्ट्रॉनिकली। इस वजह से इसे क्या नाम देते हैं? ईवे बिल। अच्छा, अब रूल 138 जिसमें ईवे बिल के प्रोविजन आपने पढ़े थे, तो मुझे अब फटाफट से रिकलेक्ट करते हुए बताओ ईवे बिल बनाने के लिए कौन कौन सी तीन शर्तें जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। यस जी, नंबर वन मूवमेंट होनी चाहिए, नंबर सेकंड कंसाइनमेंट वैल्यू, जो गुड्स मूव हो रहे हैं उनकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा की होनी चाहिए, एंड तीसरी बात मूवमेंट कॉज होनी चाहिए बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो बेटा समरी डायग्राम से आपको ये बातें ध्यान में रहेंगी। अच्छा, ईवे बिल की बेटा स्टोरी स्टार्ट होती थी रूल 138(1) से। उसने ये बताया था कि अगर कभी भी देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, अच्छा वो मूवमेंट इंडिया की होनी चाहिए, इंट्रा या इंटर कुछ भी हो सकती है, इंट्रा या इंटर कुछ भी हो सकती है, और बेटा सप्लाई में मूवमेंट होगी या अदरवाइज या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मूवमेंट, चाहे सप्लाई की वजह से हो या अदरवाइज हो, मूवमेंट होनी चाहिए। और मूवमेंट जिन गुड्स की होनी चाहिए उनकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा की होनी चाहिए, और कंसाइनमेंट वैल्यू का क्या मतलब था? जीएसटी इंक्लूसिव या जीएसटी हटा के? जीएसटी इंक्लूसिव वैल्यू। तो समरी में मैंने ये भी एम्फेसिस आपके लिख दिया। अब जो भी रजिस्टर्ड पर्सन इस मूवमेंट को कोस करेगा उसको जो होगा ईवे बिल जनरेशन का ऑब्लिगेशन आएगा। और बेटा ये जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा ये अपनी सेल की मूवमेंट करे एज अ कंसाइनर या ये अपनी परचेज की मूवमेंट करे एज अ कंसाइनी, क्या इसके ऊपर ईवे बिल का ऑब्लिगेशन आ जाएगा? यस। तो नीचे मैंने मूवमेंट अपना लिख दिया, बेसिकली एज अ कंसाइनर ये मूवमेंट कोस कर रहा हो या एज अ कंसाइनी, ईवे बिल का ऑब्लिगेशन आ जाएगा। तो ये बेटा बातें आप सब लोगों को याद होनी चाहिए। फिर बेटा आप ध्यान में रखेंगे एक एक्सेप्शन बताओ जहां पर पर्सन अनरजिस्टर्ड होगा लेकिन फिर भी ईवे बिल उसे बनाना पड़ेगा। नॉर्मली ईवे बिल से रजिस्टर्ड पर्सन क्रिएट करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन था, हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाला। नीचे आप लिख सकते हैं एक्सेप्शन की समरी आपकी यहीं परफेक्ट हो जाएगी। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था जहां पर अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी जो है वो ईवे बिल जनरेट करना था। और बेटा ये जो एक्सेप्शन था ये हमारे पास था वो लोग जो कि सप्लायर हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स के, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के जो सप्लायर हैं, और बेटा ये वो लोग जो कि इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। हैंडीक्राफ्ट गुड्स के सप्लायर कौन से? इंटर स्टेट सप्लाई करने वाले। और इनके लिए बेटा क्या बोला गया था अगर आपको याद हो? वैसे इंटर स्टेट सप्लाई के केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, बट इन लोगों को स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करने पर इन लोगों को था एग्जम्पशन से, रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्ट किया गया था अंडर सेक्शन 23। लेकिन एग्जम्पशन देते टाइम साथ में यह शर्त लगाई गई थी कि भाई साहब एग्जम्प्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपको ईवे बिल जो होगा वो इन एनी केस जनरेट करना पड़ेगा। और उसी बात को रूल नंबर 138 ने रिपीट करते हुए लिखा था कि ईवे बिल वैसे तो रजिस्टर्ड पर्सन जनरेट करते हैं, बट हैंडीक्राफ्ट गुड्स के जो सप्लायर होंगे उनको जो होगा अनरजिस्टर्ड भी हैं तो भी उन्हें अपनी इंटर स्टेट सप्लाई की मूवमेंट के लिए ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। आई होप द पॉइंट इज वेल रिसीव बाय ईच ऑफ यू। यस। अच्छा, फिर उसके बाद ये एक एक्सेप्शनल प्रोविजन अगर छोड़ दो तो नॉर्मल प्रोविजन तो यही है कि सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही जो होगा वो ईवे बिल क्रिएट करेगा। अच्छा, और ईवे बिल तब क्रिएट करना है जब कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000। अब ये जो 50,000 वाली बात है इस पर स्टार लगाओ और मुझे बात याद करके बताना, क्या 50,000 तक की वैल्यू, 50,000 से ज्यादा पर हो तो ईवे वैल्यू क्रिएट करना है, 50,000 तक की वैल्यू पर ईवे बिल क्रिएट नहीं करना। लेकिन आपको अगर ध्यान हो तो यहां पर हमने दो एक्सेप्शन पढ़े थे जहां पर आपके गुड्स की वैल्यू 50,000 तक भी होगी तो भी आपको ईवे बिल क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ केस में आपके गुड्स की वैल्यू देखते ही नहीं है, आपको ईवे बिल जो है वो क्रिएट करना होता है। याद है वो बेटा क्या एक्सेप्शन थे? यस, वंडरफुल। दो एक्सेप्शन थे बेटा, अगर जॉब वर्क के लिए माल भेजा जा रहा है, और कौन सा जॉब वर्क? विद इन द स्टेट वाला या इंटर स्टेट वाला? इंटर स्टेट वाला। एंड दूसरा यही हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले, हैंडीक्राफ्ट गुड्स वाले जो कि इंटर स्टेट मूवमेंट करा रहे हैं। इन दो केसेस में बेटा गुड्स की वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू इज नॉट रिलेवेंट, ईवे बिल जनरेट करना जो होगा वो मैंडेटरी होगा। तो अच्छा लगा मुझे सुनकर के कि आपको ये डिस्कशन याद है। अब सब्जेक्ट टू दिस प्रोविजन, ये जो एक्सेप्शनल प्रोविजन इनको सेपरेट याद रखना। बाकी नॉर्मली अगर बात करें तो रजिस्टर्ड पर्सन ही ईवे बिल क्रिएट करता है, और वो ईवे बिल तब क्रिएट करता है जब गुड्स की मूवमेंट जो है वो 50,000 से ज्यादा होती है। और बेटा ईवे बिल क्रिएट करने के लिए करना क्या होता है मुझे ये बात बताओ, ये ईवे बिल क्रिएट कहाँ होगा? ईवे बिल पोर्टल पर, जिस पर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो होगा वो जीएसटीएन के बेसिस पर बना लोगे। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद बेटा अगली बात पड़ी थी। अब ईवे बिल में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए उसमें कंसाइनमेंट की डिटेल जाती है और पार्ट बी में
उसमें बेटा ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है, बेसिकली व्हीकल नंबर होता है। और अगर आपको प्रोसेस याद हो तो वैसे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है बेटा, बाय रोड भी हो सकता है व्हीकल से, और बाय रेल भी हो सकता है, रेलवे से बाय एयर भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट से बाय सी भी हो सकता है, वेसल से। जनरली ट्रांसपोर्टेशन जनरली बाय रोड वाला होता है। तो हमने बाय रोड वाले से अपनी मेन कहानी स्टार्ट करी थी, और हमने आपको क्या बोला था, रोड के केस में ट्रांसपोर्टेशन में फर्दर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या आप खुद ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आपके अपने ट्रक से, या फिर आपने थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर को जो है वो यूज किया है। अगर आप खुद से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, देन इन दैट सिचुएशन अगर आपको याद हो उस केस में पार्ट ए तो कंसाइनमेंट की डिटेल के साथ आपने बनाया था 138(1) में, पार्ट बी अगर आप खुद ही ट्रांसपोर्टर हो तो पार्ट बी भी आप ही बनाओगे 138(2). तो आपने 138(1) में क्या बनाया, पार्ट ए कंसाइनमेंट डिटेल डाल के, और ट्रांसपोर्टर भी आप ही हो तो आप खुद ही पार्ट बी भी बनाओगे, एंड अकॉर्डिंगली ई वे बिल बनाने का काम क्या आपके एंड पर ही पूरा निपट जाएगा, यस yes। फिर दूसरा केस हमने क्या लिया था, अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, आप मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन ट्रांसपोर्टर आप नहीं हो, थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर हो, तो उस केस में याद करो बेटा पार्ट ए वो तो आप बनाओगे 138(1) में, उसमें कंसाइनमेंट की डिटेल डाल दोगे, लेकिन अब ट्रांसपोर्टर कोई और है तो पार्ट ए बनाते टाइम आपको बेटा उस ट्रांसपोर्टर से उसकी आईडी लेकर के जो होगी वो पार्ट ए में मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और आपने उससे उसकी आईडी पूछी और उसकी आईडी जो थी वो आपने पार्ट ए क्रिएट करते टाइम मेंशन कर दी। अब बेटा जो थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर होगा वो जब गुड्स पिकअप करने के लिए आएगा तो वो क्या करेगा, पार्ट बी में व्हीकल नंबर डाल करके जो होगा पार्ट बी सबमिट कर देगा, और पार्ट बी सबमिट करने के साथ जो होगा वो ई वे बिल क्रिएट हो जाएगा। और यहां पर हमारी स्टोरी कैसे थी, 138(1) में आपने क्या बनाया पार्ट ए, और ट्रांसपोर्टर आएगा वो पार्ट बी कंप्लीट करेगा 138(3) में, और पार्ट बी के सबमिशन के साथ जो होगा बेटा आपका ई वे बिल जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। तो यहां तीन सब रूल नंबर आपको याद रखने हैं, 138(a) में पार्ट ए क्रिएट हुआ, वो रजिस्टर पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ने किया, अगर वही ट्रांसपोर्टर है तो उसने 138(2) में पार्ट बी भी क्रिएट करके ई वे बिल बना दिया, और अगर थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर है तो ट्रांसपोर्टर ने 138(3) में पार्ट बी कंप्लीट करके जो है वो ई वे बिल बना दिया। और आप मुझे बताएंगे पार्ट ए और पार्ट बी के फिलअप में बीच में कितना गैप हो सकता है, 15 दिन का। अच्छा ई वे बिल हम कब मानते हैं, पार्ट ए के साथ मानते हैं या पार्ट बी के साथ, पार्ट बी, पार्ट बी जब बन जाता है तो बेसिकली ई वे बिल जनरेट हो जाता है और पोर्टल उस ई वे बिल का एक नंबर आपको दे देती है। और बेटा ये ई वे बिल कितने पीरियड के लिए वैलिड होता है, ई वे बिल जब बन जाता है तो क्या आपको उसकी एक वैलिडिटी पीरियड भी मिलती है, यस, उस वैलिडिटी पीरियड में ही आपको वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मैनेज करना होता है। और वो जो वैलिडिटी पीरियड था वो बेटा लिखा हुआ है रूल 138(10) में, तो इसको भी अगर आप सब रूल के साथ याद रख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और वैलिडिटी पीरियड के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते हैं, बेटा वैलिडिटी पीरियड याद है आपको कैसे चेक करते थे, वैलिडिटी पीरियड हम ये चेक करते थे, वो आप जो भेज रहे हो वो ओडीसी है, ओवर डायमेंशनल कार्गो, याद है वो बड़ा सा जो धीरे धीरे जाएगा, या फिर आपका मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट वाला केस है जिसमें शिप भी इन्वॉल्व है, तो उन दोनों केस में वैलिडिटी पीरियड अलग था और अदर केसेस में वैलिडिटी पीरियड अलग था। वो ओडीसी वगैरह वाला जो केस था बेटा उसमें वैलिडिटी पीरियड क्या था, उसमें 20 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलता था, और एक्स्ट्रा जितने भी 20 किलोमीटर या पार्ट इन्वॉल्व होंगे उसके लिए एक एक दिन एक्स्ट्रा आपको मिलता था। और जो दूसरे वाले केसेस थे नॉर्मल वाले उसमें आपको वैलिडिटी पीरियड कितना मिलता था बेटा, आपको उसमें एक दिन में 200 किलोमीटर के हिसाब से वैलिडिटी पीरियड जो था वो मिलता था। और जो भी डिस्टेंस के बेस पर आपका वैलिडिटी पीरियड बनेगा आपको उस पीरियड के अंदर जो होगा वो ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट करना है। अगर रस्ते में व्हीकल वगैरह खराब हो जाए तो क्या एक्सटेंशन भी मिल सकता है, यस। और एक्सटेंशन में खास बात क्या थी बेटा, एक्सटेंशन वैलिडिटी पीरियड खत्म होने से पहले लेना है या वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गया उसके बाद भी ले सकते थे, उसके बाद भी ले सकते थे, लेकिन 8 घंटे के अंदर अंदर। तो ये वैलिडिटी पीरियड विद एक्सटेंशन की स्टोरी हमारे पास 138(10) में थी। आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट ऑल दिस, वंडरफुल। अच्छा फिर उसके बाद बेटा अब इसमें एक खास बात, एक स्पेशल बात जो आपको बताई थी वो ये बताई थी कि बेटा ई वे बिल पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिलाकर के बनता है, और ये मूवमेंट कमेंस होने से पहले आपको बना देना होता है, और इसके बेसिस पर गुड्स की मूवमेंट होती है। लेकिन आपको एक स्पेशल केस अगर याद हो तो बेटा आपने ट्रांसपोर्टर को कहा ये गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, उसने बोला मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस तक भिजवा दो, तो उसके प्लेस ऑफ भिजवाने के लिए आपने वो छोटे फीडर व्हीकल यूज़ किए। अगर आपको स्पेशल स्टोरी याद हो तो बेटा ये नीचे वाला चार्ट आपको कराया था, फीडर व्हीकल जो कि आपके यहां से गुड्स लेकर के ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस तक जाएगा, अगर वो इंट्रा स्टेट मूवमेंट कर रहा है और वो 50 किलोमीटर तक की है, तो बेटा अगर आपको याद हो तो आपको सिर्फ पार्ट ए के बेसिस पर वो मूवमेंट जो थी वो अलाउड थी, ठीक है ना। अगर इंट्रास्टेट मूवमेंट है कितने 50 किलोमीटर तक की, ये ध्यान में रखना बेटा, इंट्रास्टेट मूवमेंट होनी चाहिए और 50 किलोमीटर तक की होनी चाहिए। आप जिस ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स भेज रहे हैं अगर इंट्रास्टेट मूवमेंट 50 किलोमीटर तक की है तो आपसे पार्ट ए के बेसिस पर जो है वो गुड्स को जो है उसके पास भेज सकते हैं। अच्छा ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स पहुंच गए, फिर बेटा ट्रांसपोर्टर आगे मूव करेगा, ट्रांसपोर्टर को आगे मूव करने के लिए क्या पार्ट बी फिलअप करके ले जाना पड़ेगा, यस।
फिर आपको रस्ते में बताया था अगर रस्ते में उसका ट्रक खराब हो गया और इतना खराब हो गया कि ट्रक दूसरा यूज करना पड़ रहा है, तो फिर दूसरा अगर ट्रक यूज करना पड़ रहा है तो फिर वो क्या करेगा, दूसरा ट्रक अगर यूज करना पड़ रहा है तो वो क्या करेगा, क्या उसे पार्ट भी अपडेट करना पड़ेगा? यस, क्योंकि व्हीकल चेंज हो रहा है तो व्हीकल नंबर नया जो होगा वो ईवे बिल पर डालना पड़ेगा, तो ये ट्रांसपोर्टर क्या कर देगा, अपडेट। और अपडेट वाली स्टोरी हमारे पास लिखी हुई थी बेटा रूल 138(5) में, सब रूल के साथ याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगली कनेक्टिविटी की स्टोरी हमने क्या ली थी, अब ये नया ट्रक ईवे बिल नंबर अपडेट हो गया और आगे जा रहा है, और फिर उसके बाद थोड़ा आगे जा करके हम ये कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ गई ट्रक में और हमने जो था दूसरे ट्रांसपोर्टर को बोला भाई अब हमारे पास ट्रक भी अवेलेबल नहीं है तो तू ट्रक से आगे लेकर के जा। अब क्या हो गया बेटा, व्हीकल चेंज हुआ या ट्रांसपोर्टर ही चेंज हो गया, ट्रांसपोर्टर ही चेंज हो गया, और इस केस में बेटा अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ईवे बिल को पहले उसको असाइन करना पड़ेगा, उसकी आईडी डाली जाएगी और वो आईडी डालने के बाद जब हम उसको असाइन कर देंगे तो फिर वो मोटर व्हीकल अपडेट करके जो है वो आगे जाएगा। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, अपडेशन ऑफ ईवे बिल या फ्रेश असाइनमेंट ऑफ ईवे बिल, फ्रेश असाइनमेंट ऑफ ईवे बिल, और ये बेटा किया जाता है एज पर रूल 138(5)(a). 5 में क्या होता है अपडेशन, 5A में क्या होता है असाइनमेंट। नया ट्रांसपोर्टर लगाओगे तो ट्रांसपोर्टर पहले उसके फेवर में असाइन करेगा और फिर उसके बाद वो नया ट्रांसपोर्टर जो होगा वो अपडेट करेगा मोटर व्हीकल नंबर और गुड्स को लेकर के जाएगा। अब ये गुड्स जा रहे हैं बेटा किसके पास, ये डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, लेकिन डेस्टिनेशन वाली गलियां तंग है तो वहां ये बड़ा ट्रक नहीं जा सकता। तो अगेन आपको याद आता हो जो मूवमेंट लास्ट की मूवमेंट होती है वो अगर इंटरस्टेट होती है और वो 50 किलोमीटर तक की होती है तो क्या छोटे ट्रक उन गुड्स को लेकर के चले जाएंगे? यस। और छोटे ट्रक में अब जब माल शिफ्ट किया जाएगा तो क्या फर्दर कुछ अपडेशन वगैरह करना है या कुछ नहीं करना? कुछ भी नहीं करना। क्लियर है जी, ये सारा प्रोसेस आपने किया था। अच्छा, और जिसको ये याद होगा वो इसी चार्ट में एक छोटी सी बात और ऐड करके मुझे बताइएगा बेटा, अगर बेचते टाइम हमने गुड्स को अपने यहां से रवाना करने से पहले वे ब्रिज भेजा होगा, कहां भेजा होगा, वे ब्रिज, किस पर्पस के लिए, वेट के लिए, तो वे ब्रिज भेजते टाइम आपको याद है अगर आप वे ब्रिज भेजो और वेब्रिज से वो वापसी आएगा तो ये वाली जो मूवमेंट है अगर ये मूवमेंट 20 किलोमीटर वाली है कि वेब्रिज अगर आपके 20 किलोमीटर तक की दूरी पर है तो 20 किलोमीटर तक भेजना और वो 20 किलोमीटर तक वापस आना, इसका ईवे बिल बनाना है या यहाँ ईवे बिल बनाना ही नहीं है, यहाँ ईवे बिल बनाना ही नहीं है। ये कहानी कहाँ लिखी हुई थी 138(14) में, यहाँ ईवे बिल बनाना ही नहीं है, क्या पार्ट ए पार्ट बी, कुछ भी नहीं बनाना है, ये तो आप वैसे ही सिंपल जो होगा वो मूवमेंट करा लोगे। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, तो ये सारा हमारा बेटा बेसिकली जो था ये सब आपने पढ़ा था। अब इसमें जरा एक छोटी सी बात जो मुझे आपको इम्फेसिस से थोड़ी क्लियर कर देनी है, बहुत जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। जनरली आपका ट्रांसपोर्ट होता है बाय रोड, अब जरा ध्यान से सुनिएगा एक आधी बात आपको जो इम्फेसिस से क्लियर करूं। अगर बाय रोड जो कि जनरल ट्रांसपोर्टेशन होता है तो रजिस्टर्ड पर्सन जो मूवमेंट कर रहा है बेटा वो क्या बनाएगा, पार्ट ए, इम्फेसिस से बोलो, वो क्या बनाएगा, पार्ट ए 138(1) में। और अगर ट्रक उसी का है तो पार्ट बी भी जो होगा वो खुद ही बनाएगा 138(2), मतलब ईवे बिल उसी के एंड पर जो है वो जनरेट हो गया। अच्छा, अब जो ये 138(2) है ना बेटा, 138(2) में ये लिखा हुआ है कि आपने पार्ट ए बनाया, अब अगर आप सेल्फ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो पार्ट बी आप ही कंप्लीट करेंगे, पूरा ईवे बिल आपके एंड पर ही कंप्लीट होगा। अब सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन में बेटा इन्होंने 3 केसेस लिख करके कवर किए हैं कि सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन हम किसको मानेंगे, जरा पढ़िएगा सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन के नीचे क्या क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 ऑन व्हीकल, क्या मतलब है, आपका अपना ट्रक है, हायर्ड कन्वेंस, ट्रक आपका था नहीं लेकिन आपने ट्रक पीछे से भाड़े पर ले रखा है, याद है मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था, ट्रक महंगा था तो आपने खरीदने की बजाय क्या किया, किसी से 10-20 हज़ार रुपये महीने के भाड़े पर ले लिया, तो ट्रांसपोर्टेशन आप उस ट्रक में कर रहे हो भाड़े पर लेने के बाद तो वो आपका सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन है। और तीसरी लाइन क्या लिखी हुई है बेटा, पब्लिक कन्वेंस, इस पर जरा स्टार लगा लीजिएगा, पब्लिक कन्वेंस। अब ये जो यहां वर्ड बेटा पब्लिक कन्वेंस लिखा हुआ है, यहां पर प्रैक्टिकली कुछ इश्यूज आ सकते हैं, यहां पर प्रैक्टिकली जो है वो कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कैसे इश्यूज जरा समझिएगा। जैसे मैं एक शॉपकीपर हूं बेटा, सुनिएगा ध्यान से, मैं गुड्स का सप्लायर हूं, अटेंशन, मैं गुड्स का सप्लायर हूं, आपने मुझे टेलीफोन किया, आपने पूछा ये गुड्स है, मैंने कहा हाँ जी ये गुड्स है, तो आपने मुझे ऑर्डर दिया जी ये गुड्स है आप मेरे घर पर जो है वो डिलीवर कर दो, मैंने कहा ठीक है। अब आपका जो ऑर्डर है मैंने आपके गुड्स रेडी किए और वो लेट्स सपोज 2 लाख की वैल्यू के हैं, अब मैंने आपके घर पर भेजने थे, ठीक है, अब मैंने अपने जो दुकान पे मेरा एक छोटू लड़का एक काम करता था मैंने उसको बोला ये ले पैकेट ले इसको पकड़ और बस करके जो है वहां पहुंच और उनको डिलीवरी दे आ, तो मैंने छोटू को क्या बोला ये ले पैकेट रेडी है तो इसको बस पकड़ के जा और वहां पर डिलीवर करा, होता है कि नहीं प्रैक्टिकली? यस। तो अब छोटू गया और वो बस में बैठ करके डिलीवर कराया, तो हमने अब की बार गुड्स जो भेजे हैं वो किस रूट से भेजे हैं, पब्लिक कन्वेंस,
बस हमारी नहीं है, ना तो बस हमारी है ना कहीं हमने बस जो है वो एस एच किराए भाड़े पे ले रखी है। ये बस क्या है, पब्लिक कन्वेंस, छोटू गुड्स लेकर के गया, बस में बैठ करके डिलीवरी दे करके आ गया। और मैंने आपको क्या समझाया, 138(2) के हिसाब से उन्होंने इसको क्या ट्रीट कर रखा है, सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन। उन्होंने इसको क्या ट्रीट कर रखा है, सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन। कि अगर आप पब्लिक कन्वेंस के थ्रू मतलब अपने अपने छोटे वोटू को जो है वो सामान दे देते हैं और वो अपना बस में बैठ करके रिक्वेस्ट एड्रेस पर डिलीवरी कराता है, तो उन्होंने इसको क्या कवर कर रखा है, सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन। अब बेटा इनको इसको सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन में कवर करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा डीप में सोचता हूं तो मुझे हल्की सी दिक्कत महसूस होती है, वो दिक्कत आपको बोलूंगा, सुनिएगा। अब ये सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन है तो बेटा इसमें पार्ट बी, बस वाले को तो डेफिनेटली कोई मतलब नहीं है ना, उसने तो सवारियां बिठाई थी, आपको भी बिठा लिया, तो बस वाले का इसमें कोई रोल नहीं है। पार्ट बी कौन भरेगा, क्या खुद ही भरेगा? यस। अच्छा, और पार्ट बी भरने के लिए उसे क्या करना पड़ता है बेटा, व्हीकल नंबर जो है वो अपडेट करना पड़ता है, व्हीकल नंबर जो है वो अपडेट करना पड़ता है। तो जिस बस में छोटू बैठ के जाएगा उस बस का नंबर जो होगा वो इस ई वे बिल में जो होगा वो डालना पड़ेगा। जो मुझे थोड़ा सा दिक्कत वाला काम लगता है, थोड़ा क्या बहुत दिक्कत वाला काम लगता है इस एंगल से, ई वे बिल बेटा मूवमेंट के बाद बनाना होता है या मूवमेंट से पहले? पहले। अब छोटू गुड्स लेकर के जाएगा बस स्टैंड पर, जब बस आएगी तो उसे पता है उस बस में बैठने से पहले मुझे फोन करना पड़ेगा, क्या जी मैं इस बस में बैठा हूँ, जो मैं इस बस में अब बैठा हूँ, ये व्हीकल नंबर जो है ये आप डाल लो, मेरी मूवमेंट अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आप जो है अपना ई वे बिल वाला पार्ट भी जो है वो कंप्लीट कर लो। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में इसे प्रैक्टिकली वो किस तरीके से एनफोर्स कराएंगे, आपको क्या लगता है जीएसटी वाले बेटा इस तरीके से बसों को रोक करके चेक करते होंगे? नहीं। तो वो प्रैक्टिकली वो चेकिंग कैसे करेंगे, उस बात को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है। चलो, यानी कि स्लो ने जैसा लिखा हमें तो वैसी बात करनी है, क्या ये बात क्लियर है? यस। अच्छा, अगली बात सुनो, अब अगर आप सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहे, आप थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर को यूज कर रहे हैं, तो फिर थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर ई वे बिल कंप्लीट करेगी, पार्ट बी में आपकी बार एंट्री कौन करेगा? ट्रांसपोर्टर। और आपको याद है बेटा, जब ट्रांसपोर्टर आप यूज करोगे थर्ड पार्टी, तो पार्ट ए क्रिएट करते टाइम आपको ट्रांसपोर्टर की आईडी पहले मेंशन करनी पड़ती है। यस। और ट्रांसपोर्टर आईडी क्या होती है? वो मैंने आपको बताया था बेटा, जिस ट्रांसपोर्टर को आपने, वेरी गुड, हाँ जी, वंडरफुल वंडरफुल, जिस ट्रांसपोर्टर को आप एंगेज करोगे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो उसका जीएसटीएन नंबर ही ई वे बिल पोर्टल पर उसकी ट्रांसपोर्टर आईडी का काम करेगा, और अगर वो ट्रांसपोर्टर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है तो फिर उसे ई वे बिल पोर्टल पर एनरोलमेंट कराना पड़ेगा, और ई वे बिल पोर्टल उसे जो होगी एक एनरोलमेंट नंबर देगी, जिसको हम बोलते थे यूनिक एनरोलमेंट नंबर। तो ट्रांसपोर्टर आईडी लिख दिया बेटा मैंने आपको, कि आपको ध्यान में रखनी है, थर्ड पार्टी के थ्रू अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो जब आप पार्ट ए क्रिएट करते हो तो उसमें आप उस ट्रांसपोर्टर की आईडी को मेंशन करते हो कि भाई ये ट्रांसपोर्टर लेकर के जाएगा, और ट्रांसपोर्टर आईडी होगी जीएसटीएन या फिर यूएएन। और जो मैंने आपको बोला, अगर आपको समझ आया तो मुझे रिपीट करके बताना बेटा, जीएसटीएन कब होगी ट्रांसपोर्टर की आईडी, अगर ट्रांसपोर्टर क्या होगा, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होगा, और अगर वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो फिर उसकी आईडी यूएन होगी, जो कहां से मिली होगी, ई वे बिल पोर्टल पर उसने एनरोल किया होगा। चलिए बेटा, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना है, कि ट्रांसपोर्टर आईडी क्या होगी, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटीएन नंबर, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर उसे ई वे बिल पोर्टल पर पहले एनरोल करा के अपना एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं यूनिक एनरोलमेंट नंबर। अब यहां पर एक खास बात सुनिएगा बेटा, ये जो आपका यूनिक एनरोलमेंट नंबर है ये कहां से लेते हो, ई वे बिल पोर्टल से। और बेटा ये जो आपको यूनिक एनरोलमेंट नंबर ई वे बिल पोर्टल देती है, ये ऑल इंडिया बेसिस के यूज के लिए देती है, ऑल इंडिया बेसिस पर यूज के लिए देती है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ट्रांसपोर्टर बेटा उसका स्टेट में कई जगह कारोबार है, ठीक है, उसके कई स्टेट में जो है वो अपना कारोबार है, उसे यूनिक एनरोलमेंट नंबर जो होगा वो स्टेट वाइज नहीं मिलेगा, उसे ऑल इंडिया बेसिस पर मिलेगा। तो वो अपने किसी भी स्टेट में बिजनेस कर रहा हो, वो यूनिक एनरोलमेंट नंबर को यूज करके अपना जो होगा वो ई वे बिल जो होगा वो क्रिएट कर देगा। अच्छा, अब बेटा ये जो यूनिक एनरोलमेंट नंबर का कंसेप्ट है, इसके कंपैरिजन में एक स्पेशल बात सुनना, अगर आपका ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो फिर उसका जो ट्रांसपोर्टर आईडी होता है वो क्या होता है, जीएसटीएन नंबर। अच्छा, और जीएसटीएन नंबर आपको याद हो, क्या वो उसको स्टेट वाइज मिलते हैं? यस। तो अगर एक ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है और लेट्स सपोज वो इंडिया में 4-5 जगह से बिजनेस करता है, तो उसके 4-5 जीएसटीएन नंबर होंगे, और वो जीएसटीएन नंबर को यूज करके ई वे बिल बनाएगा, मतलब उसे सेपरेट जीएसटीएन नंबर जो होंगे वो यूज करने पड़ेंगे। अब इन ट्रांसपोर्टर को उन्होंने ये कहा कि अगर आप सेपरेट जीएसटीएन नंबर यूज करके ई वे बिल नहीं बनाना चाहते, आप भी यूनिक एनरोलमेंट नंबर की तरह एक सिंगल नंबर के बेसिस पर ई वे बिल बनाना चाहते हो, तो आप अपना जीएस ये ई वे बिल वाली पोर्टल पर जाकर के आप भी जो है वो
अपना एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर जो है वो आप ले सकते हैं। तो उनको ऑप्शन दिया गया है कि वो जो है वो अपना यूनिक एनरोलमेंट नंबर जो है वो ईबेबिल पोर्टल से ले सकते हैं। और आप मुझे बताना बेटा, अगर आपको बात समझ आई हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन, यूएन नंबर, उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, उसका तो यूएन नंबर होगा ऑल इंडिया बेस का, और जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन मल्टीपल जीएसटी में अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखे हैं, तो उन नंबर को यूज करने की बजाय अगर वो एक ही नंबर को यूज करके ईवे बिल के प्रोसेस में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। और उसके लिए उन्हें ईवे बिल पोर्टल से अपने लिए ऑल इंडिया बेसिस पर यूज के लिए यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। और ऐसा कोई भी पर्सन अगर यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले सकता है तो फिर वो बेटा अब ईवे बिल जो होगा वो इस नंबर के बेसिस पर ऑल इंडिया के बिजनेस के लिए बनाएगा। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, ये जो बात मैंने आपको बताई है ये कोई नई बात नहीं है, मैंने डिस्कस आपको यहां पर अभी किया है, बट ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा बेटा, जब हमने जीएसटी वॉल्यूम 1 में अपना चैप्टर किया था अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, तो वहां पर हमने आपके साथ ये यूनिक एनरोलमेंट नंबर का कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया था। बट क्या होता है, आप काफी आगे की स्टेजेस पर आ गए हैं तो शायद आपको वो पीछे वाला पॉइंट जो है वो याद ना हो, इसलिए मैंने यहाँ लिंकिंग में स्पेसिफिकली आपको बताया है। बाकी डिटेल रिकलेक्शन के लिए आप अपना अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर जो होगा वो आप खोल करके अपना इसे मैच करके रख लीजिएगा। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? यस। अब इसके बाद इस समरी में जो लास्ट प्रोसेस पर मुझे एक छोटा सा एम्फेसिस और देना है वो है बेटा ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट पर जरा फोकस करो। अगर आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं और गुड्स की मूवमेंट ट्रक के थ्रू नहीं, आपके गुड्स की मूवमेंट रेल, एयर या फिर सी के थ्रू हो रही है, तो ईवे बिल बेटा आपको तो भी बनाना है। अब इस केस में आपको क्या ध्यान में रखना है, लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट कोर्स करेगा वो बेटा अपना पार्ट ए क्रिएट करेगा एज पर रूल 138(1). अब जब बात आएगी पार्ट बी की तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, आपकी रेलवे, एयरलाइंस या फिर शिपिंग कंपनी, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं है कि वो पार्ट बी भरेंगी। तो इस केस में पार्ट बी भी जो होता है वो आप ही को क्रिएट करना पड़ता है। आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था बेटा, पार्ट बी जो है वो यही क्रिएट करेगा, और ये स्टोरी उन्होंने लिखी हुई है रूल 138(2)(a) में। रूल 138(2)(a) में बेटा ट्रक वाले केस में स्टोरी लिखी हुई है 138(2)(3) में। खुद का ट्रक है तो 2, दूसरे का है तो 138(3). बट अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन ट्रक है ही नहीं, अदर मोड्स हैं, तो आप पार्ट ए बनाएंगे और पार्ट बी भी जो होगा वो आप खुद ही बनाएंगे। अच्छा, और पार्ट बी में आपको बेसिकली क्या लिखना होता है, व्हीकल नंबर। बट आपको पता है इन केसेस में, मैंने आपको बताया था, इन केसेस में इनके नंबर वगैरह आपको नहीं लिखने होते, रेदर देन आपको लिखना होता है ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर। और अगर आपको याद आ जाए लास्ट लेक्चर की बात, तो मैंने स्पेसिफिकली बताया था बेटा, रेलवे को आप कभी भी सामान हैंडओवर करोगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो आपका सामान रिसीव करने पर वो आपको एक डॉक्यूमेंट देगी, रेलवे रिसीट, और वो रेलवे रिसीट का डॉक्यूमेंट नंबर विद डेट जो होगा वो आपको पार्ट बी में लिख करके ईवे बिल कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसे ही एयरलाइंस के केस में आप जब उन्हें हैंडओवर करोगे तो वो आपको माल रिसीव करने पर एक डॉक्यूमेंट देंगी, एयरवे बिल, और उसका नंबर विद डेट जो होगा वो आपको पार्ट बी में लिख करके ईवे बिल कंप्लीट करना पड़ेगा। शिपिंग कंपनी के केस में जब आप उसे माल हैंडओवर करोगे तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, बिल ऑफ लेडिंग, आपको उसका नंबर एंड डेट लिख करके जो होगा वो पार्ट बी जो होगा वो कंप्लीट करना पड़ेगा। आर यू ओके विद दिस? चैप्टर का फोकस ट्रक बेस रखना है, जो नीचे वाले पार्ट में मैंने सारा रिवाइज कराया, ये जो 3 स्पेशल केसेस है इसको आप अलग स्टैंड अलोन बेसिस पर जो होगा वो याद रखेंगे। इन केसेस में पार्ट ए भी रजिस्टर्ड पर्सन ही बनाता है और पार्ट बी भी रजिस्टर्ड पर्सन ही बनाता है बाय मेंशनिंग देयर इन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर। आर यू ओके विद दिस? यस। अब ये जो 138(2)(a) है इस पर बेटा स्टार लगा लीजिएगा, इसमें एक बहुत स्पेशल बात लिखी हुई है जो अब मैं आपको फ्रेशली बताने वाला हूं। 138(2)(a) में अगर आपका केस है और आपको पार्ट बी कंप्लीट करना है तो ये पार्ट बी कंप्लीट कब कर सकते हो, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट, दोनों। तो चार्ट में ये लिख लीजिएगा, इस केस में जो पार्ट बी है ये आप फिलअप कर सकते हो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट या फिर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट। इस लाइन का मैसेज प्रैक्टिकली क्या है बेटा, आप जब गुड्स मूव कर रहे हो इन 3 मोड से तो पार्ट ए वो आपको मूवमेंट कमेंस करने से पहले क्रिएट करना है। अब पार्ट बी वो आप बिफोर कमेंसमेंट भी कर सकते हो और आफ्टर भी। अब लेट्स सपोज पर्सन ने बिफोर कमेंसमेंट ही कर दिया, अगर बिफोर कमेंसमेंट ही कर दिया तो इसका मतलब उसने पूरा ईवे बिल कंप्लीट बना दिया और गुड्स जो मूव हो रहे हैं अब वो कंप्लीट ईवे बिल में मूव हो रहे हैं।
और अगर उसने बिफोर मूवमेंट नहीं कंप्लीट किया बी, उसने आफ्टर किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, गुड्स जो है वो बेसिकली सिर्फ पार्ट ए के बेसिस पर जो है वो मूव हो रहे हैं। आर यू ओके विद दिस? तो इन तीनों केस में आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इन तीनों केस में हो सकता है आपके मूवमेंट कंप्लीट ईवे बिल में हो, या फिर हो सकता है आपके मूवमेंट जो है वो सिर्फ पार्ट ए वाले के बेसिस पर हो। अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, सर इन्होंने इस केस में ऐसा स्पेशल क्यों किया? तो बेटा इसका सिंपली एक छोटा सा लॉजिक है, आप जब कभी रेलवे वाले को गुड्स हैंड ओवर करते हैं ना बेटा, तो रेलवे वाला आपको कई बार ये जो डॉक्यूमेंट देना होता है रेलवे रिसीट, ये इमीडिएटली नहीं देता, वो जो है वो लेट इशू करता है, और अगर लेट इशू करता है तो आपके गुड्स की मूवमेंट ना रुके, इसलिए उन्होंने क्या बोला, डॉक्यूमेंट लेट मिलेगा, पार्ट बी बाद में अपडेट कर लेना, आप अभी गुड्स की मूवमेंट नहीं रुकेगी, गुड्स की मूवमेंट जो होगी वो हो जाएगी। आर यू ओके विद दिस? समरी चार्ट में एक लाइन लिख लीजिएगा कि समरी चार्ट में हमने ये आपको बताया, जहां तक पार्ट बी की बात है, आप बिफोर कमेंसमेंट पार्ट बी बनाओ, कंप्लीट ईवे बिल बना करके ले जाओ, या आप आफ्टर कमेंसमेंट बनाओ, आप सिर्फ पार्ट ए के बेसिस पर ले जाओ, ठीक है। अब यहां पर एक साइड में स्पेशल बात लिख लीजिएगा, क्या रेलवे वाले केस में, सिर्फ कौन से केस में, रेलवे वाले केस में डिलीवरी विल नॉट बी गिवन, डिलीवरी विल नॉट बी गिवन अनलेस रजिस्टर्ड पर्सन कंप्लीट्स ईवे बिल। रेलवे वाले केस में डिलीवरी विल नॉट बी गिवन अनलेस रजिस्टर्ड पर्सन कंप्लीट्स ईवे बिल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। रूल 138(14), ठीक है बेटा, लाइन जरा पढ़ता हूं, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस रूल, इस रूल में अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा ओवर रूल, नो ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस में आपको ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। अब बेटा बिफोर आई रेट द फॉलोइंग केसेस मुझे बताइएगा, आपका कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, ईवे बिल बनाना होता है, यस। लेकिन अगर आपका केस यहां पर आ गया तो फिर ईवे बिल की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप फिर भी बनाना चाहो वो तो ऑप्शनल, तो आपकी मर्जी है, लेकिन हम लीगली बात करें तो आपको कोई जरूरत नहीं है। अब बेटा इन्होंने बहुत सारे केसेस लिखे थे, मैंने उनको इस चार्ट में कैटेगराइज करके आपको प्रेजेंट किया है इन अ मैनर कि आपके लिए इजी टू रिमेंबर प्रोविजंस हो जाएंगे। सबसे पहला बेटा ये घोड़ा गाड़ी देखो, चांदनी चौक पे बेटा मैंने इसको देखा था, लोग इसमें जो थे वो माल ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, यूज होता है या नहीं, यस yes. अब मैंने कहा बेटा मेरे दिमाग में आया ईवे बिल तो इसने भी बनाया होगा, व्हीकल नंबर ही नहीं होता ना इनका, ठीक है ना। तो उन्होंने सबसे पहले तो यही बोला बेटा, देखो गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय अ नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय अ नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, मेहनत लगेगी याद रखने में, आसानी से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, चलिए। और देखो सेकंड बॉक्स, टाइम बचाओ बेटा मेरा, इसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जाम गुड्स, मैंने पीछे डिस्कशन में बताया था ना, इसमें टैक्सी नहीं होता तो इसके मूवमेंट के कंट्रोल को लेकर के उन्हें टेंशन नहीं थी, ठीक है बेटा। और एग्जाम गुड्स में इन्होंने ये कैटेगरी बना रखी थी बेटा, जिसको मैंने क्लब्ड अप करके आपको प्रेजेंट किया है, फर्स्ट पॉइंट गुड्स एग्जेम्प्टेड वाइड नोटिफिकेशन नंबर दिस, और बेटा ये जो नोटिफिकेशन है इसमें बेसिकली लगभग सभी एग्जेम्प्टेड गुड्स आ जाते हैं, अच्छा। लेकिन उन्होंने बेटा एग्जेम्प्टेड गुड्स में से एक गुड्स बाहर कर रखा है, डी ऑयल्ड केक, मतलब क्या हो गया, ये एग्जेम्प्टेड है फिर भी, वैसे एग्जेम्प्टेड गुड्स का ईवे बिल नहीं बनवाया, इस नोटिफिकेशन में सारे एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं बेटा, लेकिन एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, इसका ईवे बिल जो होगा वो बनाना पड़ेगा, अच्छा। इसके अलावा वैसे तो जो ऊपर नोटिफिकेशन है बेटा इसी में ही सारी एग्जम्पशन है, बट दो एग्जम्पशन अलग से भी हैं गुड्स के लिए, और उन्होंने उसके लिए भी कह दिया है, ये जो दो सेपरेट एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है इस वाले गुड्स के लिए भी आपको ईवे बिल नहीं बनाना है, और ले दे करके इतना डेप्थ की बजाय आप सिंपली क्या ध्यान में रख ले, एग्जेम्प्टेड गुड्स के रिस्पेक्ट में ईवे बिल नहीं बनाना है, सिर्फ डी ऑयल केक के लिए बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद टेबल का अगला पार्ट बेटा, नॉन जीएसटी गुड्स, इसमें कौन कौन से आते हैं वो आपको पता ही है, अल्कोहलिक लिकर एंड 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स, इन गुड्स के रिस्पेक्ट में भी आपको ईवे बिल नहीं बनाना है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे शराब भेज रहे थे, ईवे बिल नहीं बनाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके साथ वाला इधर वाला बॉक्स पढ़ो,
मोमेंट अंडर नो सप्लाई ट्रांजेक्शन शेड्यूल थ्री, ये क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? शेड्यूल थ्री याद है? शेड्यूल थ्री में बताया गया था सप्लाई नहीं होते हैं कुछ ट्रांजेक्शन, ठीक है? इसमें बेटा 8 पैराज उन्होंने बता रखे थे। अगर आपने जो काम किया, आपने जो काम किया वो शेड्यूल थ्री में जो 8 पैराज है वो वाला काम है, तो फिर आपको उस ट्रांजेक्शन में अगर कोई गुड्स मूव करने हैं ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, ठीक है? इसका एक इलस्ट्रेशन की आपको थोड़ी क्लैरिटी के साथ ये समझ आए। बेटा मान लो हमारे पास एक सप्लायर है, रजिस्टर्ड पर्सन, लिख सकते हो नीचे कि आपको सिचुएशन थोड़ी क्लैरिटी से समझ आ जाएगी। और बेटा ये जो सप्लायर है इसका जो काम है ये बेटा सप्लाई ऑफ सर्विस करता है, और जो सप्लाई ऑफ सर्विस ये करता है ये बेसिकली फ्यूनरल की सर्विस देता है बेटा, अंतिम संस्कार वाली फ्यूनरल की सर्विस, दफनाने वाली बरियल की सर्विस ये वो देता है बेटा। मैंने नाम बोला कुछ याद आया? हाँ जी बेटा, फ्यूनरल की सर्विस, बरियल की सर्विस देता है। और बेटा ये जो सर्विस थी इसको उन्होंने शेड्यूल थ्री में लिख करके बाहर कर रखा है कि भाई ये जीएसटी में नो सप्लाई मानी जाएंगे, ठीक है? वैसे तो आप काम कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, लेकिन जीएसटी वाले जो है इसे सप्लाई से बाहर करके चलते हैं, मतलब इसके ऊपर वो कोई जीएसटी नहीं लगाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक बात बताओ, अब ये जो फ्यूनरल की सर्विस ये देता है, इस सर्विस को देने के लिए उसको बेटा हो सकता है कोई गुड्स मूव करने पड़ते हो? भाई किसी को आप अंतिम संस्कार वगैरह की सर्विस दे रहे हो तो हो सकता है आपको कोई गुड्स मूव करने पड़ते हो, और लेट्स सपोज वो जो गुड्स मूव करने पड़ते हैं वो बेटा वो गुड्स एग्जम्प्ट नहीं है, वो 5, 12, 18 या 28% वाले हैं। तो अब आप मुझे बोलो गुड्स क्या है? एग्जेम्प्ट है गुड्स? गुड्स एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं? नो। गुड्स नॉन जीएसटी वाले गुड्स हैं? नो। पर जो गुड्स मूव हो रहे हैं वो किस ट्रांजेक्शन में मूव हो रहे हैं? जो कि शेड्यूल थ्री वाली है। डिफरेंस समझ आ रहा है कुछ? तो वो क्या कह रहे हैं? ई वे बिल बनाना होगा या नहीं बनाना होगा? नहीं बनाना होगा। Are you comfortable? Yes, sir. Let's move to the next category below. Empty cargo containers. Cargo का मतलब goods होता है बेटा? तो goods के जो खाली container हैं, उनके respect में e-way bill की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब समझो, देखो, मान लो ये एक supplier है goods का, registered है। उसने क्या किया? Buyer के पास कुछ goods का बेटा transportation किया truck में। अच्छा, और जो goods थे वो बेटा container में भर करके भेजे गए, ठीक है? तो ये कंटेनर है और इसमें ये गुड्स हैं, ठीक है? और जो गुड्स हैं लेट्स सपोज वो 18% जीएसटी वाले हैं, ठीक है? तो आप नॉर्मल कैसे, ये तो नॉर्मल गुड्स जा रहे हैं, बताओ ई वे बिल बनेगा? बहुत बढ़िया बात। अब ये ट्रक गया, ट्रक ने जाकर के वहां पर गुड्स की डिलीवरी दे दी, बेटा कंटेनर छोड़ के आएगा या कंटेनर वापस लेके आएगा? कंटेनर वापस लेकर के आएगा। तो इन्होंने ट्रक वाले से बोला था कि भाई गुड्स उतार लेने हैं और कंटेनर के साथ जो है वो वापसी आ जाइयो। अब ये वापसी आ रहा है खाली कंटेनर के साथ। अब जो कंटेनर है वो क्या, वापसी जो आ रहे हैं वो अपने आप में गुड्स हैं या नहीं है? वो गुड्स है। और लेट्स सपोज कंटेनर के ऊपर जीएसटी रेट जो है वो अपना 18% है। अब मुझे बोलिएगा, अब आप ट्रक वाले से कंटेनर खाली मंगा रहे हैं जो अपने आप में गुड्स हैं, ट्रक वाले को पैसा भी दे रहे हैं उस काम का, तो वैसे नॉर्मली स्पीकिंग इसके ऊपर ई वे बिल बनता था, पर इन्होंने क्या बोल दिया, ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट में बेटा इन्होंने इसकी बात कर दी, एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स। चल सकता हूं बेटा? चलो नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर्स। क्लबिंग पर दी मैंने एम्प्टी वर्ड्स की वजह से, ठीक है ना? एलपीजी के जो खाली सिलेंडर है उनके लिए आपको ई वे बिल नहीं बनाना, अगर आगे क्या लिखा हुआ है, दे आर ट्रांसपोर्टेड फॉर रीजन अदर देन सप्लाई। दे आर ट्रांसपोर्टेड फॉर रीजन अदर देन सप्लाई। आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बेटा, एक आदमी एलपीजी सिलेंडर बना के बेचता है, सिलेंडर बना करके बेचता है, और कंपनी उससे खरीदती है जो बाद में गैस रिफिलिंग करके कस्टमर को देती है, तो जिसने सिलेंडर बनाए और बेचे वो जब उनका ट्रांसपोर्टेशन करेगा ई वे बिल बनाएगा, यहां छूट कब है? जब वो खाली सिलेंडर, खाली सिलेंडर बना करके बेचे, तो जो बना के बेचे क्या ये सप्लाई है? यस। छूट कब है? जब ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई में हो या अदर देन सप्लाई हो? अदर देन सप्लाई हो। तो
तो आप बना के बेच रहे हो तो आपका सप्लाई का ही काम है, वहां छूट नहीं है, वहां आपको ईवे बिल बनाना है। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर ये जो सिलेंडर बनाए, सुनो अगर ये सिलेंडर बनाए और उनको बाहर टेस्टिंग के लिए भेजे, टेस्टिंग करा के लेके आएगा, तो वो सप्लाई है या अदर देन सप्लाई है? अदर देन, तो उस केस में ईवे बिल नहीं बनाना है। चले जी, फिर इसके आगे बेटा लास्ट पॉइंट, इस पर आप स्टार लगा लेना, इसको थोड़ी मेहनत से याद रखना है। 8 आइटम लिस्टेड इन द अनेक्सर, रूल 138 के एंड में उन्होंने कनेक्सर दिया और उसमें उन्होंने 8 आइटम्स दिए और कहा इन 8 आइटम्स के लिए जो है वो आपको ई वे बिल नहीं बनाना है। अब ये 8 आइटम में बेटा जो मैंने येलो पोर्शन से दिए उनको बाहर याद कर लेना, बाकी रीड ओनली आपका चल जाएगा। चलिएगा, नंबर 1 ज्वेलरी, पर्ल्स एंड पीसियस स्टोन एंड पीसियस मेटल। तो बेटा ज्वेलर्स, अब ज्वेलर्स को अगर हम कहते हैं ना ई वे बिल बनाना है, तो सबसे पहले तो सुनो, जनरली ज्वेलरी आइटम 50,000 से ज्यादा की होती तो उसको ई वे बिल आता। और बेटा अगर वो ई वे बिल बनाता तो पता है सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसने वहां डाल दी, और उसके अकाउंटेंट का कल अगर कुछ मन कर गया ना हेरा फेरी का, तो ज्वेलर ने उसको रख रखा है ई वे बिल बनाने के लिए। कल वो कहेगा मुझे पता है कौन सी ज्वेलरी किस रास्ते से जा रही है, बहुत सेंसिटिव इश्यू था, तो इस वजह से इन्होंने इसको जो कहा ई वे बिल के प्रोविजन से बाहर रखा। इस पर काफी लंबे समय से लड़ाई चल रही है, गवर्नमेंट चाहती तो है इसके भी ई वे बिल बनाए, बट ज्वेलर्स कह रहे हैं हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। yes, तो अभी इन्होंने इसे बाहर रखा हुआ है। और सिमिलर लॉजिक पर बेटा ये पर्ल्स एंड पीसियस स्टोन्स एंड पीसियस मेटल्स, ठीक है, और कोरल एंड करेंसी। बैंक वालों को कह देना नोट भेज रहे हो ई वे बिल बना लेना, दिक्कत हो सकती है। yes, तो इन सब चीजों के जो है बेटा उन्होंने मना कर रखे ई वे बिल नहीं बनाने। Are you okay with this? Yes. पहले येलो वाला ही पढ़ लेता हूं। येलो वाला अगला पार्ट है यूज पर्सनल एंड हाउसहोल्ड आर्टिकल्स। बेटा आप कल अगर आप घर शिफ्ट कर लो तो अपना सामान साथ लेकर के जाओगे? ई वे बिल नहीं चाहिए। यूज पर्सनल एंड हाउसहोल्ड आर्टिकल्स, तो ये तो बायोट याद कर लेना, बाकी की रीडिंग कर लेना। अब बाकी जो है ऊपर देखो, एलपीजी सप्लाई टू हाउसहोल्ड और एनडीईसी। एनडीईसी की फुल फॉर्म लिख लो, वैसे इतने पर याद रखने की जरूरत नहीं है। फुल फॉर्म इज नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। अब इसका डिटेल में अपने पास कोई अपना डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, आप बेसिकली याद रख लो एलपीजी जो किसको दी जा रही है, हाउसहोल्ड को या फिर कुछ नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी जो होती है उनको। नेक्स्ट पॉइंट, किरोसिन ऑयल सोल्ड अंडर पीडीएस। पीडीएस का मतलब होता है बेटा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने राशन की दुकान सुनी होगी जरूर। yes, गवर्नमेंट राशन की दुकान से क्या करती है बेटा, क्या पब्लिक को वो चीजें अवेलेबल कराती है? यस। तो ये जो पीडीएस होता है ये बेसिकली और कुछ नहीं है, दिस इज द राशन की दुकान जिनके थ्रू गवर्नमेंट कंसेशनल रेट पर गरीब लोगों को जो है वो गुड्स अवेलेबल कराती है। तो किरोसिन ऑयल जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब राशन की दुकानों पर भेजा जा रहा है वहां से बांटे जाने के लिए, तो इस किरोसिन ऑयल की मूवमेंट के लिए जो है ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज पोस्टल बैगेज बाय पोस्टल डिपार्टमेंट। पोस्टल डिपार्टमेंट अगर कोई पोस्टल बैगेज भेज रहा है तो उसकी मूवमेंट के लिए जो है वो ई वे बिल की जरूरत नहीं है। मगअप ही करना बेटा इसमें आपको, मेनली जो येलो पोर्शन है उसको आप ध्यान रख लेना। मे आई प्रोसीड फर्दर? चलो बेटा, और कहां ई वे बिल नहीं बनना, वेब्रिज वाली स्टोरी याद है? वेब्रिज ट्रक भेज रहे थे, वेब्रिज बताया था ना, क्या अगर आप भेज रहे हो वेब्रिज पर कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर बेटा, ये वाला पॉइंट पर, ये वाला बेटा 20 किलोमीटर तक छूट थी। उस एग्जाम्पल में 15 किलोमीटर भेजा था, आपके दिमाग में किलोमीटर की कंफ्यूजन हो रही है, छूट कहां तक है? 20 तक। पढ़ो ये वेब्रिज वाला पॉइंट, इंपॉर्टेंट का एरो बना रखा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी करा दिया था। इस वाले में गुड्स कहां जा रहे हैं, कंसाइनर के प्लेस से वेब्रिज तक या फिर वेब्रिज से वापसी, और ये जो मूवमेंट है उसमें डिस्टेंस 20 किलोमीटर का होना चाहिए, तो फिर छूट है। और बेटा ये मूवमेंट कौन सी है, इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट या कुछ भी होगा, कुछ भी, यहां कोई इंट्रास्टेट वर्ड नहीं लिख के हुए हैं। चलो इसी के नीचे, नीचे वाली कैटेगरी भी पढ़ो बेटा, इसमें गवर्नमेंट ने अपने लिए कुछ छूट लिखी। मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है बाय डिफेंस फॉर्मेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो बेटा ये गुड्स क्या ला रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, सीक्रेसी मेंटेन रहनी चाहिए ना, तो इसलिए इन्होंने जो है इनके मूवमेंट्स के लिए ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं रखी है। कौन सा बेटा, जो ये भेज रहे हैं या जो ये लेकर के आ रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं?
आगे क्या लिखा हुआ है विद इन ब्रैकेट, एज कंसाइनर और कंसाइनी, मतलब जो भेज रहे हैं या लेकर के आ रहे हैं, दोनों टोटल सीक्रेसी चाहिए ना इनके लिए, तो इन्होंने इसलिए इसको लिख दिया कि इनके एंगल से दोनों ही केसेस में जो है वो ई वे बिल नहीं चाहिए। चलो अगला पॉइंट, रेल ट्रांसपोर्ट वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज कंसाइनर। अब इसको मेहनत से याद रखना बेटा, इसमें किसको छूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को, क्या भेजने की छूट है या लाने की छूट है, भेजने की, एज कंसाइनर सिर्फ भेजने वाली छूट है, और वो भी सिर्फ कब, रेल के केस में, वो भी सिर्फ कब, सिर्फ रेल के केस में, अदर केसेस में छूट नहीं है, रेल ट्रांसपोर्ट। अभी बहुत सारी बातें हैं, हर एक में छोटा छोटा सा पॉइंट इन्वॉल्व है, जो जो मेन कैटेगरी है बेटा उसके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट वाला हाथ बना रखा है, वो मेहनत से याद रखना, बाकी रीड ओनली बेसिस पर भी काम चल जाएगा। यहां से बढ़ूं आगे बेटा, चलो अब ऊपर दो कैटेगरी बचती है, अब इसमें से कस्टम वाली इसको अभी छोड़ो, अभी ये जो एंड वाली इधर वाली कैटेगरी है इसको पढ़ो, स्टेट लिस्ट वाली को, इसमें मैंने आपको क्या बताया था अगर आपको याद हो, स्टेट वालों को क्या पावर दे रखी थी कि वो विद इन द स्टेट मूवमेंट के लिए क्या अपनी अलग एग्जम्पशन बना सकते हैं, यस वो ये है बेटा, पढ़ लो, मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन सच एरियाज एज आर नोटिफाइड अंडर रूल 138(4)(d) ऑफ SGST और UTGST rules in that particular state or union territory. कि state वाला क्या कर सकता है, within the state particular areas में e-way bill की requirement को जो exempt करना चाहे वो exempt कर सकता है, ऐसे union territory वाले within union territory के लिए वो काम कर सकते हैं। और मैंने उधर से आपको बताया था कि state वालों ने क्या कर रखा है बेटा, e-way bill की limit को within the state के लिए कुछ state ने जो है वो बढ़ा रखा है, ठीक है बेटा। अच्छा अब इसके बाद बेटा ये जो दो पॉइंट्स बचते हैं, इसमें ये वाला जो बड़ा बॉक्स है इस पर डबल स्टार लगा लो, इस पर बहुत मेहनत करनी है हमें, ये कस्टम रिलेटेड है, और जो नीचे वाला बॉक्स है ये छोटा सा है, ये सिंपल पढ़ लो, ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम या टू नेपाल और भूटान, ट्रांजिट कार्गो बेटा जो कि नेपाल या भूटान से गए हो या फिर आए हो। अच्छा अब आप समझना बेटा, जरा सिंपल सी बात समझना, नेपाल और भूटान हमारे पड़ोसी देश हैं। Yes, अच्छा अब नेपाल और भूटान के साथ बेटा पता है प्रॉब्लम क्या है, इनका जो है ना कोई ये चारों तरफ से ना जमीन से घिरे हुए हैं। Yes, हमारे इंडिया का क्या है, इंडिया में क्या हमारे पास ये सी एरिया है, जिसकी वजह से जब गुड्स इम्पोर्ट करने होते हैं तो आराम से वेसल वगैरह से आ जाते हैं। यस आप समझो, नेपाल या भूटान को अगर इम्पोर्ट करना हो, नेपाल या भूटान को यूएसए से गुड्स मंगाने हैं, नेपाल और भूटान का है कोई पोर्ट नहीं है, तो अब वो क्या करते हैं बेटा, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से समझौता कर रखा है कि हमारा क्योंकि कोई है नहीं सी एरिया, तो आपके पोर्ट पर हम गुड्स मंगवा लेंगे और उसके बाद आपके यहाँ से अंदर मूवमेंट जो होगा वो आप अलाउ कर देना, और इन दोनों देशों के साथ ही हमारे अच्छे संबंध है तो गवर्नमेंट ने ऐसा समझौता किया हुआ है। अब ठीक है, अब बेटा गुड्स आ गए यहाँ पर इस पोर्ट पर, अब यहां से जब ये नेपाल भूटान जाएंगे तो ट्रक में जाएंगे और ये मूवमेंट विद इन इंडिया है, ये मूवमेंट विद इन इंडिया है या नहीं है, बिल्कुल है, ये मूवमेंट जो है वो विद इन इंडिया है, पर ये गुड्स हमारे नहीं है, नेपाल भूटान की है, ये तो हमने उनको फैसिलिटी देने के लिए कर रखी है ना, तो बेटा उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कह दिया, ये जो ट्रांजिट गुड्स है नेपाल भूटान वाले, इनके लिए ई वे बिल की जरूरत है, ठीक है मूवमेंट विद इन इंडिया है, बट ये उनको फैसिलिटेशन के पर्पस के लिए यहाँ हम ई वे बिल नहीं मांगेंगे। अच्छा और बेटा नेपाल भूटान को कभी एक्सपोर्ट करना हो तो भी ऐसे ही होगा, अब यहाँ से गुड्स यहाँ तक भेजेगा, ये भी मूवमेंट विद इन इंडिया है, बोलो बेटा लेकिन ई वे बिल की जरूरत नहीं है, क्लियर है के पॉइंट, तो ये ट्रांजिट वाला पॉइंट आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस yes, अब जो बड़ा बॉक्स रह गया है इसको ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है जी, एक बार के लिए रीडिंग कर लो फिर उसके बाद इसको प्रॉपर समझाऊंगा। अगर आपके गुड्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फ्रॉम कस्टम स्टेशन टू ICD और CFS, कस्टम स्टेशन का मतलब लिखो ऊपर, कस्टम पोर्ट कस्टम एयरपोर्ट एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स या फिर लैंड कस्टम स्टेशन,
एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, पहला बोला है कस्टम पोर्ट, दूसरा बोला है कस्टम एयरपोर्ट जिसके विद इन ब्रैकेट लिखा है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एंड तीसरा बोला है बेटा लैंड कस्टम स्टेशन। मतलब क्या होता है बेटा, गुड्स अगर आएंगे वेसल से आए तो कहां रुकेगा वो, कस्टम पोर्ट पर। अगर एयरक्राफ्ट से आए तो कस्टम एयरपोर्ट पर, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी कह लो उसे। और अगर लैंड रूट से आ रहे हैं तो उन्हें जहां कस्टम में रोका जाता है उसको क्या बुलाते हैं, लैंड कस्टम स्टेशन। वेसल आएगा पोर्ट पर आएगा, कस्टम ने बता रखा होगा कौन से पोर्ट, कस्टम पोर्ट। एयरक्राफ्ट आएगा एयरपोर्ट पर आएगा, कस्टम वालों ने बता रखा होगा कस्टम एयरपोर्ट। लैंड से आएंगे तो लैंड स्टेशन पर आएंगे, कस्टम वालों ने बता रखा होगा कौन से स्टेशन है वो, लैंड कस्टम स्टेशन। और इन सबको कंबाइंडली किस नाम से बुला रहा हूं, कस्टम स्टेशन। कस्टम स्टेशन का मतलब क्या हो गया, जहां पर बेसिकली बाहर से गुड्स किसी कन्वेंस में आएंगे तो यहां पर रुकेंगे, और अगर इंडिया से जा रहे होंगे तो यहां पर पहले आएंगे, कस्टम क्लियरेंस मिलेगी, उसके बाद आगे जाएंगे। तो कस्टम स्टेशन इज बेसिकली योर प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन या प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन। ठीक है, तो अब लाइन को समझना बेटा, गुड्स कहां से आ रहे हैं, कहां से, फ्रॉम कस्टम स्टेशन, और बेटा ये कहां जा रहे हैं, टू आईसीडी या फिर सीएफएस। आईसीडी इसका फुल फॉर्म है इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट। मैं समझाऊंगा इसका मतलब अभी भी एक बार पहले रफली पढ़ ले। और सीएफएस इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा कंटेनर फ्रेट स्टेशन। ठीक है, अच्छा अब सिर्फ ये बताइएगा, पहली लाइन से गुड्स कहाँ मूव कर रहे हैं, कस्टम स्टेशन से कहाँ जा रहे हैं, आईसीडी या फिर सीएफएस पर जा रहे हैं। अच्छा, और दूसरी लाइन में क्या हो रहा है ये बताओ, दूसरी लाइन में क्या हो रहा है, आईसीडी या फिर सीएफएस से कस्टम स्टेशन जा रहे हैं। ठीक है, आईसीडी सीएफएस क्या होता है सब समझाऊंगा। तीसरी लाइन में क्या हो रहा है, कस्टम स्टेशन से किसी दूसरे कस्टम स्टेशन जा रहे हैं। और लास्ट में क्या हो रहा है, एनी अदर मूवमेंट जो कि कस्टम सुपरविजन या कस्टम की सील में गुड्स की हो रही है। ठीक है, चारों का मतलब बताना स्टार्ट करता हूं, ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर चार्ट है, जरा चार्ट के थ्रू समझाऊंगा बेटा। अब बेटा ये जीएसटी में एक रजिस्टर्ड पर्सन है इधर मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स ने बेटा बाहर से गुड्स जो है वो इंपोर्ट किए, तो मान लीजिए उसने यूएसए में किसी पर्सन से ये गुड्स खरीदे, और जिस पर्सन से उसने गुड्स खरीदे उसने कहा जी इन गुड्स को मैं यूएसए के पोर्ट पर आपको हैंडओवर करूंगा, इंडिया आप खुद लेकर के जाएंगे, हो सकता है? यस yes, उसने बोला जी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना प्राइस लो, मैं गुड्स को अपने आप आगे इंडिया में मंगा लूंगा। yes, अब बेटा यूएसए से इंडिया मंगाने के लिए इन्होंने किसी शिपिंग कंपनी वाले को बुक किया। yes, अब ये शिपिंग कंपनी वाले को जो इन्होंने बुक किया इसका ई वे बिल नहीं बनेगा, क्यों? दिस इज अ मूवमेंट आउटसाइड इंडिया, आपको बताया था पहले ही। आपका जीएसटी में ई वे बिल किस मूवमेंट के लिए बनता है, विच इज टेकिंग प्लेस विद इन इंडिया। यूएसए से बाहर से ये इंडिया कस्टम पोर्ट पर आए, दिस इज अ मूवमेंट आउटसाइड इंडिया, इसके ऊपर ई वे बिल के प्रोविजन आते ही नहीं है। अब बेटा ये जो गुड्स है ये पहुंच गए हमारे पास, लेट्स सपोज इस गुजरात पोर्ट पर। अब आप जो है क्या करेंगे बेटा, पोर्ट से कैसे घर लेकर के आएंगे? यस, अब जरा मेरी नई बातें सुनिएगा। अब बेटा ये जो कस्टम पोर्ट है, दिस इज कस्टम स्टेशन। यस, अब बेटा कुछ कस्टम पोर्ट आपके जो होते हैं ना वो बहुत ऑक्यूपाइड रहते हैं, इन द सेंस की इंपोर्ट आप देखते हैं आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से पोर्ट पर काफी कंजेशन रहता है। तो गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम बना रखा है, बाहर से जब कोई वेसल आता है तो वो यहां पर पोर्ट पर कंटेनर उतार के चला जाता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इस पोर्ट की कैपेसिटी वो लिमिटेड है, तो वो क्या करती है, नियर बाय एक प्लेस ले लेती है और कंटेनर्स को वहां पर शिफ्ट कर देती है। उस प्लेस को बेटा हम बोलते हैं कंटेनर फ्रेट स्टेशन, सीएफएस। क्या बोलते हैं? कंटेनर फ्रेट स्टेशन। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये हमारा कस्टम पोर्ट है। ठीक है, अब इंपोर्ट जब काफी हैवी रहते हैं जो आजकल हो गए हैं कंजेशन, तो वो क्या करते हैं, पोर्ट के साइड में अलग से एक बड़ा स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, और वहां पर जो है वो कंटेनर शिफ्ट कर देते हैं। इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, कंटेनर फ्रेट स्टेशन।
चलो अब जल्दी से मतलब बताओ अगर समझ आ गया हो। अब गुड्स बेटा पोर्ट पर उतरे, लेकिन पोर्ट से उतरने के बाद ये कहां चले गए? सीएफएस में। अब बताओ ई वे बिल नहीं बनेगा, क्यों? पोर्ट से गई है सीएफएस में। कस्टम क्लियरेंस मिल गई है या अभी नहीं मिली है? नहीं मिली है। और बेटा उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया, उन्होंने बोला जी अभी तो हमारा इस पर पूरा कंट्रोल मेंटेन्ड रहेगा, आपको ई वे बिल इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आई प्रोसीड फर्दर। यस, तो यहां मैंने लिख दिया ई वे बिल नहीं बनेगा 138.14। ये वो पहला पॉइंट था जो मैंने आपको बॉक्स में पढ़ाया था। पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट? पहला पॉइंट। क्यों पहला? क्यों? कस्टम स्टेशन से सीएफएस। ये कहानी क्लियर हो गई? यस बेटा, ये जो सीएफएस होता है ये इस पोर्ट का ही हिस्सा माना जाता है। चलो बेटा आगे। अच्छा अब मान लो ये जिस पर्सन ने गुड्स इंपोर्ट किए हैं, अब जरा आगे देखना, ये बेटा जो पर्सन है वो कहां पर है? इंडिया में किसी इंटीरियर पार्ट में है। अब उसने इंपोर्ट तो कर लिया, गुड्स आ भी गए, बट गुड्स हैं कहां? गुजरात में। तो इसे अब गुड्स कस्टम से छुड़ाने हैं, और कस्टम से छुड़ाने के लिए अब इसे क्या करना पड़ेगा? गुजरात के लेवल पर वहां से छुड़ा के लाने पड़ेंगे ना। यस और नो? अब बेटा ये जो लोग थे कस्टम्स में, इन लोगों को एक शिकायत थी। क्या थी? गुजराती जो हैं वो अगर कुछ इंपोर्ट करते हैं तो वो गुजरात में ही रहते हैं, उनके यहाँ पोर्ट है, उनको तो उनके घर के पास ही गुड्स मिल जाते हैं। हम अंदर रहते हैं, हमारे यहाँ तो कोई पोर्ट नहीं है, और हमें वहां के लेवल पर फॉर्मेलिटीज, गुजरात के लेवल पर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। तो बेटा उन लोगों के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपको भी आपके ही स्टेट में हम डिलीवरी जो होगा वो एश्योर करा देंगे। कैसे कराएंगे? उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने उस स्टेट में, ऑल्दो कोई पोर्ट नहीं होता, उन्होंने वहां पर एक स्पेशल प्लेस खोला जिसे वो बोलते हैं आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपो। और वो कहते हैं बेटा ये जो हम यहां पर स्पेशल आईसीडी खोल रहे हैं, इसे भी हम डीम्ड पोर्ट कस्टम में मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा इसे? हम डीम्ड पोर्ट। लोगों ने बोला पोर्ट के आसपास तो पानी होता है, यहां तो है नहीं। उन्होंने बोला यार ये ऑब्वियसली बात है, इसे हम लैंड पर खोल रहे हैं तो पानी कहां से लाएंगे? तुम समझो इसका पानी सूख गया, ये ड्राई पोर्ट है। क्या समझो तुम? ये ड्राई पोर्ट है। ठीक है, कस्टम में डिटेल में बात करूंगा, इसमें काफी इंटरेस्टिंग बात कर लूंगा। तो आप समझ रहे हो गुजरातियों के पास तो पोर्ट था, अब दिल्ली वालों के पास नहीं है। तो गवर्नमेंट ने दिल्ली में क्या खोल दिए होंगे? आईसीडी, जिसको वो पोर्ट ही मान के चलते हैं। दिल्ली में आपको कई सारे आईसीडी नजर आएंगे, तुकलकाबाद वगैरह। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे आईसीडी खुल गए। और उन्होंने क्या बोला, अब तुम नहीं जाना चाहते थे ना गुजरात में, तो तुम क्या करा सकते हो? गुजरात के पोर्ट से आईसीडी माल भिजवा सकते हो, और बाद में जब तुम्हें क्लियरेंस करना होगा तो तुम आईसीडी के लेवल पर जाकर के क्लियरेंस फॉर्मेलिटी कर लेना। तो अब इस व्यक्ति ने क्या किया बेटा, इन गुड्स को आईसीडी पर मूव करवा लिया। तो गुड्स कहां जा रहे हैं? आईसीडी। बोलेंगे ई वे बिल की जरूरत नहीं है। यही था आपका पहला पॉइंट। क्या पोर्ट से कंटेनर फ्रेट स्टेशन में जा रहे हैं या फिर पोर्ट से आईसीडी में जा रहे हैं? ई वे बिल की जरूरत नहीं है। बेटा कंटेनर फ्रेट स्टेशन और आईसीडी में डिफरेंस समझ आ गया? कंटेनर फ्रेट स्टेशन कहां होता है? सी पोर्ट के आसपास। आईसीडी कहां होता है? अंदर इंटीरियर पार्ट्स लैंड एरियाज में। ठीक है, अच्छा आप गुड्स आईसीडी आ गए, बेटा आईसीडी से घर लेकर के आ रहे हो तो वहां ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? और आपको मैंने पहले ही बताया था बेटा इंपोर्टेड गुड्स है तो बिल ऑफ एंट्री वाले कवरिंग डॉक्यूमेंट के साथ जो होगा ई वे बिल जो होगा वो आप लेकर के गुड्स को मंगा लेंगे। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा अब अगली बात सुनना, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। yes, अब अगली बात सुनो। अब अगली बात क्या बेटा, मान लीजिए इस मिस्टर एक्स को एक्सपोर्ट करना है। मिस्टर एक्स को एक्सपोर्ट करना है, कहां से करेगा? पोर्ट पर लेके जाएगा। अब जिस पोर्ट पर ये लेके जाता है वो बेटा काफी कंजेस्टेड रहता है, तो डायरेक्ट पोर्ट पे नहीं लेके जाएगा, कहां छोड़ देगा? सीएफएस। और सीएफएस से बाद में वो कहां चले जाएंगे? पोर्ट पर। और पोर्ट से आगे वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे। कितने ट्रांसपोर्टेशन है? तीन। पहला ट्रांसपोर्टेशन उसके प्लेस ऑफ बिजनेस से सीएफएस का, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सीएफएस से पोर्ट का, एंड तीसरा पोर्ट से बाहर का। जो पोर्ट से बाहर वाला है उसका तो ई वे बिल चाहिए नहीं, बिकॉज दैट इज मूवमेंट आउटसाइड इंडिया। बाकी जो दो मूवमेंट है दैट इज विद इन इंडिया। तो अब जरा ध्यान से देखना बेटा, जब आप सीएफएस में माल छोड़ दोगे तो सीएफएस में छोड़ दिया मतलब पोर्ट पर छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या लिख रखा है? सीएफएस से जब पोर्ट पर जाएगा ई वे बिल की जरूरत नहीं है। सीएफएस से पोर्ट पर जाएगा तो फिर ई वे बिल की जरूरत नहीं है। सेकंड बॉक्स में, बॉक्स की सेकंड लाइन में क्या लिखा था बेटा? सीएफएस टू कस्टम स्टेशन। पहली लाइन क्या कह रही थी? कस्टम स्टेशन से सीएफएस या आईसीडी, वो इंपोर्ट वाली चेन होगी। क्लियर है? वो इंपोर्ट वाली चेन होगी। एक्सपोर्ट वाली चेन में सीएफएस से कस्टम स्टेशन,
इसका मतलब क्या हो गया, मेरे यहां से सीएफएस के लिए तो ईवे बिल चाहिए होगा। पक्का? अच्छा, और एक बात बताओ, ये दिल्ली वाले जो है बेटा, दिल्ली वालों को एक्सपोर्ट करना है तो दिल्ली वाले क्या करेंगे, वो आईसीडी भेज देंगे और आईसीडी से आगे एक्सपोर्ट मटेरियलाइज होगा। ठीक है जी, तो अब आईसीडी भेजने के लिए बताओ, आईसीडी भेज रहे हो, ईवे बिल चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा। आईसीडी से आगे पोर्ट पर भेजा जाएगा, नहीं चाहिए होगा? और पोर्ट से आगे जाएगा उसका तो वैसे ही नहीं चाहिए होता, बिकॉज दैट इज अ मूवमेंट आउटसाइड इंडिया। आर यू ओके विद दिस? चलो बेटा आगे। यस, अच्छा अब एक और बात सुनो। अब बेटा ये अपनी प्रिमाइसिस में गुड्स को ले आता है, ठीक है? अब यहां से लेट्स सपोज ये यहां कहीं गुड्स किसी को दे रहा है इस स्टेट में, तो ये मूवमेंट विद इन इंडिया है और ये नॉर्मल मूवमेंट है। क्या ईवे बिल चाहिए होगा? चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन अब सुनना, यहां पर बेटा कोई बायर है, इंडियन बायर हो गया ये तो, और इसने इस पर्सन से कहा मुझे आपके गुड्स चाहिए और इसने गुड्स इसके पास भेज दिए, तो मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत है। क्या ईवे बिल चाहिए ही होगा? यस। अच्छा, लेकिन अब जो सिचुएशन बोलूंगा सुनना, इस बायर ने मुझसे कहा मुझे आपके गुड्स चाहिए और ये पर्सन ये कहता है रुको रुको, मेरा एक कंसाइनमेंट बाहर से आया हुआ है और वो अभी पोर्ट पर ही पड़ा है। तो मैं उसे आगे क्वेश्चन समझ में, मैं उसे घर नहीं ला रहा, मैं उसको वहीं से वहीं आपके पास भेज दूंगा। तो अब बेटा गुड्स एक कस्टम स्टेशन से दूसरे कस्टम स्टेशन आपने मूव करवाए, क्या कहते हो, ईवे बिल चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तीसरी लाइन समझ आ गई? तीसरी लाइन समझ आ गई? फ्रॉम वन कस्टम स्टेशन टू एनदर कस्टम स्टेशन, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे पॉइंट्स कवर हो गए? यस। या एक लाइन और बची है, उसमें क्या लिखा हुआ है? कोई भी अदर मूवमेंट है जो कि कस्टम के सुपरविजन में हो रही है या कस्टम की सील लगा करके हो रही है, तो फिर उसके लिए भी जो है वो ईवे बिल नहीं चाहिए। अच्छा, चौथे का एग्जांपल मैं बाद में दूंगा, पहले ये जो इतनी सारी सिचुएशन है इसको बताऊं, इसको सिंपली याद रखना है। तो कैसे याद रखना बेटा? जब तक गुड्स कस्टम के कंट्रोल में रहते हैं, सिंपल एक लाइन में अगर याद रखना चाहो, जब तक गुड्स कस्टम के कंट्रोल में रहते हैं ईवे बिल की जरूरत नहीं है, ठीक है? सिंपल याद रख सकते हो। अब जो लास्ट लाइन रह गई है उसके लिए एक सिचुएशन दे रहा हूं, जरा सुनिएगा बेटा। आपने गुड्स मंगाए कहां पर? गुजरात पोर्ट पर। अब गुजरात पोर्ट पर गुड्स आपने मंगाए, अब आप उन गुड्स को क्या कस्टम्स में वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट याद है थोड़ा सा? आप वेयर हाउस में शिफ्ट करा सकते हो, ठीक है? वेयर हाउस में शिफ्ट कराने का क्या फायदा होता है बेटा? आपको अभी ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, आप लेटर ऑन एज पर रिक्वायरमेंट जब क्लियर करोगे तो आपको ड्यूटी देनी होती है। हाँ, क्लियर होता है कि नहीं? यस। अब गुड्स आपने कस्टम से कहां शिफ्ट कराए हैं? कस्टम के वेयर हाउस में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब पहली लाइन नहीं लगेगी इस पर। आप अपने बॉक्स की पहली लाइन को पढ़ के बताएं, पहली लाइन कब थी? जब कस्टम स्टेशन से कहां ले जा रहे हो? आईसीडी सीएफएस। दिस इज नॉट द केस ऑफ आईसीडी सीएफएस। पहली लाइन से बाहर हो। दूसरी लाइन, वो उल्टा केस था, ये वो केस नहीं है। तीसरी लाइन, ये वो भी नहीं है। तो पोर्ट से पोर्ट जाते तो वो होता। अब आगे बोलो, चौथे पॉइंट में आ सकते हैं। अब अगर आपकी ये जो मूवमेंट है, अगर आपकी ये जो मूवमेंट है, हाँ क्या, अगर ये जो मूवमेंट है, अगर ये कस्टम के सुपरविजन में या कस्टम की सील लग करके गुड्स वेयर हाउस में जाते हैं तो फिर इस मूवमेंट के लिए ईवे बिल चाहिए होगा या फिर ये भी बाहर हो जाएगा, फिर ये भी बाहर जो है वो आपका हो जाएगा।